तो भाई अभी हम जंगल टूर पे निकले हैं, नीचे जाएंगे क्योंकि यहाँ पे भाई चीता, शेर, भालू वगैरह सब लोग रहते हैं। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो भाई आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। फिलहाल अभी हम कोटा हैं, कोटा से 30 से 40 किलोमीटर दूर आते हैं। तो भाई हमें रात में ना यही होटल मिला जो कि आपके सामने है। तो इस होटल पे आके आराम से भाई हम सो गए और अभी को जस्ट 7:30 बज रहे हैं, अभी उठ रहे हैं। तो भाई एक बार अपने गाड़ी का जो होता है भाई वो वेरीफाई यानी PTI एक हिसाब से बोल लो तो टायर वगैरह चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। टायर के साथ साथ में जो भाई डीजल टंकी, यूरिया टंकी, स्टेपनी, टायर यानी टायरों में भाई कीले गिट्टक वगैरह चीज़ करनी होती है, और अपने जो स्टेपनी है वो है या गायब हो गई वो, और डीजल तो भाई जानते ही हो डीजल ज़्यादा चोरी होती है, इसके लिए डीजल, और डीजल कैसे चोरी होती है ना वो बता दो। स्टेपनी तो देखो ऐसे पता चल जाती है कि भाई अपनी स्टेपनी सेफ पड़ी है जैसे बंधा था, ठीक। और उसके बाद आजू बाजू देख लो बैटरी खुली तो नहीं है, नहीं तो क्या होता है ना कभी कभी आप मस्त बिंदास सोए हो पर बैटरी खुल के चली जाती है, आपको पता भी नहीं चलता, ठीक है। अभी एक बात और, जो डीजल की बात हुई तो भाई इस पर कपड़ा नहीं बांधना चाहिए, वैसे मैं लटका के रखा हूँ यानी गेज मारता हूँ उसके पूछने के लिए, पर फिर भी मैंने बांध रखा है कि ढक्कन अपना गंदा ना हो। तो डीजल का चेक करने का मतलब देख लो कहीं टंकी वगैरह खुली नहीं है, और प्लस नीचे देख लो एक बूंद डीजल गिरा तो नहीं है। कभी कभी भाई यहाँ से नीचे से खोल के लेके जाते हैं और कभी कभी टंकी काट देते हैं, मैं आपको वीडियो में दिखाता रहूँगा, ठीक है। तो यही सब है भाई अपना होटल पे रुकने का चेक करने का तरीका, और फिर उसके बाद जब सारा चीज़ चेक हो जाए फिर बस निकलो आराम से, शीशे पे पूरे गाड़ी पे भाई कपड़े वगैरह मार दो। तो मैंने भाई सारा कंप्लीट कर लिया, और ये देखो किसी ने लिख दिया जय श्री राम जी, वाह 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 वाह, कितने अच्छे शब्द भाई, जय श्री राम जी। आज सुबह सुबह अभी 7:30 बज रहे हैं और मौसम देख सकते हो, गाड़ी कुछ निकल गई और कुछ गाड़ियाँ बची हैं। तो एक उस्ताद जी हमारे जो है ना वो उठ के चले गए भाई चाय पीने फ्रेश होने, और एक लोग हैं ना वो सोए हैं, वो उठ ही नहीं रहे, और ये हमारे वॉचमैन जी हैं, तीनों ने उठाया, उठे नहीं, अभी उठाया तो क्या बोले वो पहली गाड़ी वाले की बोला उसमें दावती नहीं है, वो पहली वाले में नहीं है, वो मुझे फ़ोन किए तो गए फ्रेश होने, और ये तो मैं भी कल उठाया उठे ही नहीं वो अभी उठेंगे नहीं, बॉस फ्रेश होने गया। हाँ वो ना बॉस होते हैं, तो आज भाई चाय साय पी के ना फ्रेश होते हैं। तो गाइस अभी हम इस टाइम डाबी में हैं जो कि राजस्थान में पड़ता है डाबी, और इधर क्या है ना आपको नज़ारे दिखाता हूँ जो कि भाई पूरा पहाड़ पहाड़ और सूखा सूखा, और कहीं कहीं भी भाई पानी वगैरह मिल रहा है तो भाई हरा हरा, और एरिया भाई पूरा आउट एरिया है। यहाँ पे भाई रास्तर बोलते हैं जो कि पत्थर का ज़्यादा काम होता है, यानी पत्थर तोड़ने का और गिट्टक वगैरह बनाने का, मार्बल बनाने का, टाइल्स बनाने का, ये सब का काम इधर ज़्यादा होता है। एक बार भाई ये एरिया देखो अब और इन्जॉय करो और बताओ भाई एरिया कैसी लगी, क्योंकि हर एक जगह पे हम जाते रहते हैं और देखते रहते हैं भाई हर जगह अलग अलग नज़ारा, अलग अलग खेती, जैसे कि इधर की देख सकते हो ये पत्थर की खेती है, इधर ज़्यादा करके आपको पत्थर दिखाई देंगे, और सामने देख सकते हो भाई धूल मिट्टी गंदा उड़ रहा है, तो भाई ये मशीनें हैं जो कि पत्थर काटने का काम करती हैं और भाई टाइल्स मार्बल वगैरह बनता है। तभी भाई सामने डाउनिंग है और पहाड़ भी अच्छा खासा है, तो आ जाओ इंजॉय कराते हैं आपको, और हम तो इंजॉय कर रहे हैं भाई। तो भाई देखो सामने डाउनिंग दिख रहा है, तो वो भाई अभी गाड़ी नीचे जाएगी इधर से, और साइडों साइडों में है पहाड़। तो भाई अभी टोल पार करके भाई गाड़ी अपनी आगे लगा दी, और ये दो उस्ताद जी हमारे पे पीछे लगी है किधर भाई, ये लोग भी वीडियोग्राफी कर रहे हैं अभी अच्छा भाई नाश्ता वास्ता करते हैं, और भी उस्ताद जी कहीं लग जा रहे हैं घूमने के लिए, देखते हैं चलते हैं घूमने के लिए, और आपको भी घुमाते हैं वीडियो के माध्यम से, थोड़ा सा पैर भी हाथ में रख लेते हैं भाई, पैर में हाथ में रखने क्या आता है, चलो यार गाड़ी यहीं पर रहेगी।
गाड़ी लगे ना। चलो चला जा भाई आगे। ये देखो भाई मस्त फुल एंजॉय। तो अभी भाई अपनी गाड़ी तीनों यहाँ होटल पे लग चुकी है, मस्त अस्थाई जगह। अभी एक उस्ताद जी ये हो गए, अभी एक उस्ताद जी अपने गाड़ी से आ रहे हैं और चल रहे हैं भाई हम सीधा घूमने। भैया तो चलते घुमाते हैं आपको भी, मज़ा करते हैं पूरा द्वार। हाँ उस्ताद जी आजा फिर चला जाए। ये रहा भाई जोगड़िया माता का मुख्य द्वार, अभी यहाँ से एंटर करते हैं। और यहाँ से ना आपको शेयरिंग रिक्शा मिल जाएगा, यहाँ से आप करो और सीधा जोगड़िया माता पहुँचो। अभी हम लोग भाई शेयरिंग ऑटो खोज रहे हैं और हमें अभी यहाँ पे मिल चुका है ट्रैक्टर, जो कि भाई ताऊ जी लेके चल रहे हैं हमें घुमाने के लिए। आ जाओ चलते हैं फिर साथ में इंजॉय करते हैं। वो भाई सामने से हम आए हैं और यहाँ से भी अंदर घुस सकते हो, वहाँ से भी जगह है, बहुत सारी जगह है। आ जाओ अंदर चलते हैं, पहले प्रसाद लेते हैं। तो भाई हमने यहाँ से ना प्रसाद ले लिए, आ जाओ चलते हैं दर्शन करने। चलो फिर चला था थैले में। यहाँ पे ना नारियल फोड़ने के लिए ऐसे भाई फोड़ा जाता है, तो फिलहाल यहाँ पे नारियल फोड़ लेते हैं। मेरे भी लगा दिए। हाँ लगा दो, इसमें तो नारियल सारे खराब हैं। भाई हमारा यहाँ का ना नारियल का प्रोसेस पूरा हुआ, अभी आगे चलना है ना। लो इसको पकड़ जा, नारियल निकाल देता हूँ। इसमें डालना है, इसमें एक हाँ, उसमें भाई यहाँ से अब नीचे उतरते हैं आराम से। और नीचे रहा अपना मेन मंदिर और उस्ताद जी मस्त आगे आगे चल रहे हैं और पीछे पीछे हम लोग चल रहे हैं भाई। तो भाई हम पहुंच चुके हैं अभी इस टाइम जोगनिया माता के मंदिर के मुख्य द्वार पे। भाई आप लोग भी दर्शन करो और हम भी दर्शन करें। तो भाई एक बार बोलो जोगनिया माता की जय। तो भाई सत्य मन से प्रार्थना करो और हम भी भाई प्रार्थना करते हैं, हम आपको यहाँ पे दिखा के प्रार्थना करते हैं और आप भाई अपने मन से और वीडियो में देख कर प्रार्थना करो। तो भाई जो मेन चीज़ था ना पूजा करने का, तो भाई ये मेन अपना मंदिर है, तो यहाँ पे हमने पूजा कर लिया। और भाई एक बार ना आपको मंदिर दिखाता हूँ, जो कि अभी मंदिर का काम चल रहा है। और मैं भाई उतना पूजा वूजा किया नहीं हूँ, तो इसके लिए भाई जैसा भी किया भाई अपने हिसाब से ठीक ही किया। अभी धीरे धीरे करना स्टार्ट करूँगा, उसके बाद आ जाएगा ठीक है। फिलहाल एक बार आप मंदिर देखो भाई, जो कि बड़ा ख़तरनाक सा है। और इन उस्ताद का बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि हमें यार लाए यहाँ पे भाई दर्शन कराए। नहीं तो यार मुझे कहाँ पता था कि कौन सा मंदिर कहाँ पे है। ठीक आ जाओ आपको थोड़ा सा व्यू दिखाता हूँ आपको। तो भाई ये देखो व्यू यहाँ के। तो भाई आप बताना कमेंट में कैसे लग रहे हैं। जब ये दूसरा मंदिर छोटे छोटे हर जगह बने हैं, तो यहाँ पे भी
माथा टेक देते हैं भाई। तो भाई थोड़े बहुत पूजे अपने कर लिए, जितना समझ में आया ठीक। आपको थोड़ा सा इधर का व्यू दिखाता हूँ। देखिए ये सब पानी है ना, उस्ताद जी हमारे बता रहे हैं कि ये मैं यानी 12 महीना चलता रहता है ना उस्ताद जी, ये पानी 12 महीना चलता रहता है, इधर चलता रहता है, पानी हमेशा गिरता रहता है। और प्लस भाई और पानी एक जगह और बता रहे हैं कि गौमुख बता रहे हैं, वहाँ पर भी पानी चलता रहता है, जो कि वो सामने दिख रहा है। तो भाई अभी चल रहे हैं हम नीचे, जो कि इस साइड में पड़ता है, और भाई जुगनिया माता स्थान। भाई वैसे पता है ना, मस्त लगा देखने में, और वैसे पहली बार आया हूँ यहाँ पे यार, जानता भी नहीं था। उस्ताद को पता था ये लोग यहीं के रहने वाले हैं, और ये लोग लेके आ गए भाई, इसकी वजह से मैं घूम लिया। हाँ उस्ताद जी, तो भाई जिस जंगल में हम अभी चल रहे हैं ना, जंगल है ठीक, और यहीं से हमको नीचे उतरना है। और आपको पीछे दिख रहे होंगे भाई छोटे छोटे पत्थरों के चट्टान बनाए हुए, जैसे कि ये सब देख सकते हो। तो ये जो बना हुआ है ना, तो भाई ये किसी किसी की मन्नत है कि हमारा घर बन जाए या हमारी ये मन्नत पूरी हो जाए, तो वो ये चीज़ ना उसके भाई बना रखे हैं। तो यहाँ पे अभी देखो, तो भाई अभी हम जंगल टूर पे निकले हैं, नीचे जा रहे हैं, तो आ जाओ धीरे धीरे करके ना नीचे उतर रहे हैं। और इस पर भाई जल्दी उतरना ना, इस पर आप फिसल जाओ, नीचे उतर जाओगे पर हमारे उस्ताद जी आराम आराम से उतर रहे हैं, इसके लिए भाई सीढ़ियों से जा रहे हैं। और उस्ताद जी तो अभी आराम आराम से भाई भाई इंस्टाग्राम पे लाइव हो रहे हैं, तो डायरेक्ट भाई लाइव दिखाएंगे इंस्टाग्राम पे। और हम नीचे नीचे ऐसे उतरे, हम तो बाद में दिखाएंगे भाई यार, ऐसे ऐसे उतरने की जगह है। अरे आ जाओ, छोड़ गया डीर, आ जाओ कोई भाई बात है ना, ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, बस आप इंजॉय करते हुए चलो और नज़ारे देखते हुए चलो, क्योंकि भाई आज गाड़ी से यानी ट्रक ब्लॉक से हट के ब्लॉग है ठीक, बस आपको मज़ा आ जाएगा देखने में। नारा लगाते हुए आराम से उतरते हैं। अब भाई नीचे डाउन ज़्यादा आ गया, इसके लिए बहुत हमें हिसाब से और आराम से उतरना पड़ेगा। अब है मैं अब ये भाई जैसे हमारे ट्रक में हो। ओ भाई यार इतना सामने, शांति रहो ना, तो ये सर पे भाई यहाँ पे बजरंगबली बैठे हुए हैं, बहुत आराम से चलेंगे, नहीं तो यार सर पे कूद गए ना तो फिर हमें बड़ी दिक्कत हो जाएगी, जहाँ तक कि हमने देखा भी नहीं, ये अचानक से दिख गए यार, स्लिप ना हो जाए भाई देखना ठीक है। आराम आराम से आगे निकलते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत रिक्सी है और स्लिप होने का ज़्यादा चांस है। देख लो पत्थर कैसे हैं स्लिप करने वाले, बारिश के टाइम में आने का लायक ही नहीं ना इधर, कम है, बहुत स्लिप करेगा उस टाइम में। अरे बारिश तो देर से जा रही है, जिधर ऊपर चढ़ेंगे तब पैर देंगे, बारो ऊपर फाजे जेड डालना। आ जाओ आराम आराम से, तो जल्दी आ ही, तो चप्पल वगैरह किसके रखेंगे यहाँ पे, वैसे ही छोड़ देते हैं ना। अच्छा हाँ, जिनको टूट जाता है या फिर जिनको थकान हो जाती है। साथ वो तो जा रहे हैं ऊपर, वो मेरे हिसाब से चल रहे थे ना, वो भाई उधर थे चले गए, क्योंकि वो नीचे नीचे से चल रहे थे, इसके लिए वो थक गए थे, इसके लिए लगता रुक गए। अभी हम आराम से बचा के चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे भाई चीता शेर भालू वगैरह सब लोग रहते हैं। मैं देखो उस्ताद जी कैसे उतर रहे हैं, गारंटी
अभी हम जोगनिया माता पहुंच चुके हैं और पूरा नीचे और ये पुराना दरबार है, ठीक है। अभी देखो हम लोग कहाँ से भाई आ रहे हैं, भाई यहाँ से तो दिख भी नहीं रहा, बहुत ऊपर से आ रहे हैं भाई, बहुत ऊपर से। और आ जाओ यहाँ पे पानी चल रहे हैं, आराम आराम से चलते हैं भाई, दर्शन करते हैं सच्चे मन से। इधर बंदर है ना, वो रहा भाई काला वाला बंदर, बंदर नहीं के हिसाब से भाई बजरंग बड़ी। बोलो और कुछ बोलो, हाँ जूता इधर ही खोल लो मस्त। और कोई है क्या यहाँ पे? आवाज आ रही थी हनुमान जी। भाई इसमें ये बावड़ी में नहा के जाते हैं सभी जो भी आते हैं ना श्रद्धालु, वो मतलब साबुन वाबुन नहीं लगाते, ऐसे ऐसे मतलब नहा के जाते हैं ना, मतलब कोई दाद खुजली कुछ भी हो तो वो, हाँ हाँ वो साफ हो जाता है। जरा भाई पुराना मंदिर और जो अभी अपग्रेड हुआ है वो ऊपर है, जो कि नहीं ऊपर भाई नया वाला बन रहा है अभी, तो ऊपर वो रहा। और यहाँ तो भाई बंदर हैं ज़्यादा, आ जाओ अब ना उतरे भाई, दूसरे रास्ते से आए हैं, अभी दूसरे रास्ते से हम लोग जाने वाले हैं। और जो यहाँ पे भाई चल रहा है झरना, क्योंकि आवाज़ आपको सुनाई दे रहा होगा भाई, पूरा घना जंगल है इधर। ये भी गर्म है पर बारिश के समय में गिरता ना, इसलिए बंद रखते रहते रुको ना। जोगनिया माता भाई जगह भी मस्त है और दर्शन भी आओ करो मस्त, और भाई घूमने के एरिया भी अच्छी है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आओ मस्त घूमो, और भाई क्या बताऊँ नेचर यहाँ का ना भाई अति सुंदर नेचर यार, पूछो मत कितना अच्छा है। आप आओगे ना तभी आपको पता चलेगा। सबसे ज़्यादा आप नवरात्रि के समय में आओ, जैसे कि सावन भादो ऐसा होता है तो ऐसा हो, क्योंकि हिंदी के जो महीने होते हैं ना सावन भादो को बार इसी को पता नहीं होता, फिर भी मैं सावन में बताऊँगा जिसमें बारिश ज़्यादा होती है, नवरात्रि होती है, ठीक है। उसमें आओ आराम से, आप विजिट करो मस्त घूमो और इन्जॉय करो, क्योंकि भाई आप जगह देख सकते हो भाई कितनी भयंकर और इतना सुकून है ना भाई। जिस जगह भी मैं हूँ ये जगह देखो एक बार भाई, ठंडा के एरिया है पूरा, अभी गर्मी का टाइम है पर यहाँ पे ठंडक है पूरा मस्त आराम से। भाई यहाँ पे रेस्ट कर रहे थे, सोचे कि एक बार आपको दिखा दे। और भाई यहाँ पे देखो थोड़े थोड़े ऊपर से ना पानी आ रहा है, अभी हम लोग कुछ ऊपर चढ़ गए हैं, अभी आधा बाकी है भाई, आधा चढ़े हैं, ठीक। अभी इतने में ना थकान सी हो गई, क्योंकि यार चढ़ाई खड़ी चढ़ाई है, खड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ रही है, ठीक है। अभी नीचे देखो कितनी खड़ी चढ़ाई है, हाँ बैठ जाओ बैठ जाओ भाई, सांस फूलने लगे कितनी चढ़ाई है, उतरने में तो बहुत जल्दी जल्दी उतर गए भाई, कैसे चढ़ने अच्छा भाई मैं तभी नौजवान हूँ आराम चढ़ जाऊंगा दो दो सीढ़ी। धीरे धीरे भाई ऊंचाई को छू रहे हैं, अभी थकान आ तो और अलग से बैठ जाऊँ, यहाँ पे आके बैठ जाऊँ भाई। अभी भाई नीचे देखो एक बार,
थकान हो गई। उतरने के टाइम भाई हम नीचे उतरे थे, मालूम कहाँ से, वहाँ से भाई नीचे उतरे थे अभी उसके बीच से। हाँ वो जो भाई पेड़ दिख रहा है वहाँ से उतरे थे नीचे, और नीचे उतर के ऐसे हम आ गए थे इस लाल झंडी के पास। दिखाता हूँ अभी लाल झंडी, वो रही भाई लाल झंडी। भाई लाल झंडी हल्की हल्की दिख रही है, तो यहाँ पे हमने उतरे थे। अभी वहाँ से भाई ऊपर यानी अभी वहाँ से भाई ऊपर चढ़ते 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 यहाँ पे भाई रेस्ट ले लिए। अभी यहाँ पे रेस्ट लेते हैं, फिर उसके बाद ऊपर चढ़ेंगे। जिंदगी में याद रहेगा ये सब। अब पता नहीं कैसे उतर रहे, चढ़ रहे हो नहीं चढ़ पा रहे। मैं देखो अब भाई ये लास्ट चढ़ाई है, जो कि भी ऐसी ऐसी चढ़ाई है, ऊपर चढ़नी है। सांस ज़्यादा फट रहे हैं भाई चढ़ने में। भाई चढ़ाई देख सकते हो, विस्तार जी देखो कैसे चढ़ेंगे। भाई खतरनाक चढ़ाई है, आ जाओ आराम से। आ जाओ भाई ये चढ़ाई देखो, अभी पूरा आनंद लो। हजार भाई पूरा हम चढ़ गए, हम थोड़ी सौ बच्ची बची है वहाँ तक अभी चढ़ जाएंगे। भाई बस आधी पहले चढ़ गए, मैं सोच रहे हजार भाई खतरनाक सी जगह उस्ताद जी। ये बताओ पहले घूमने मजा आया कि नहीं, घूमने मजा आया कि नहीं? चलो आप लोग लाए, मैं भी घूम लिया मस्त, सैर कर लिया भाई, घूम के मस्त एंजॉय कर लिया। ये सामने भाई अपना मंदिर है, जोगनिया माता। भाई घूमने में मजा आ गया। अभी हम लोग जहाँ पे नारियल फूले थे ना वहाँ पे आ गए, हम लोग नारियल यहाँ पे फोड़े थे, तो नारियल वहाँ से पहले प्रसाद लाओ ना, नारियल यहाँ पे फोड़ लो, एक पॉइंट वहाँ पर बनना है। और ये जो ट्रैक्टर दिख रहा है ना भाई, इस ट्रैक्टर पे हम लोग बैठ के आए थे। अभी यहाँ पे यार पीने का शुद्ध जल, भाई पानी पी लिया जाए, इधर ना बड़ा धप धप कर रहा है। तो भाई अभी बाहर जा रहे हैं हम लोग। अभी यहाँ पे देख सकते हो लेडीज़ के लिए भाई बहुत सारे सामान है, जो मन वो लो। अभी देख सकते हो चश्मे ले लो गुड्डा ले लो, बहुत सारी चीज़ें भाई, अच्छा खासा डेकोरेशन भाई लड़कियों के लिए। आओ मस्त इंजॉय करो यहाँ पे, देखो अभी लेना है क्या। भाई पूरा अच्छा खासा यहाँ पे मार्केट भी है और सारी सुविधा मिल जाएगी। बस वहाँ पे ना भाई पिकअप वाला डीजे, जो राजस्थान का फेमस डीजे है, देखे डीजे है क्या भाई का सवारिया सेट। ये कारण का देता है कि सेटा हाँ भाई। अभी हम लोग ना घूम के भाई आ गए दर्शन करके मस्त, एक थार लेके
कि गाड़ी यहाँ से खाली जा नहीं सकती यहाँ साथ, तो इसके लिए लोड कर ले दो दो स्टार लिए, एक इधर एक उधर। भाई इधर चार थार हो गई है, अभी लोड हो गई है तीन गाड़ियों में। बैठे कहाँ बैठे? तो भाई अपना भाटी चौका हो गया, अब ना कोई गाड़ी निकालते हैं क्योंकि ये उस्ताद जी बस यहीं से निकल जाएंगे और हमें तो भाई दूर जाना है, इसके लिए ना हम निकलते हैं आगे चल के 100-200 किलोमीटर बाद सोएंगे, सही है ना? 100-200 किलोमीटर घुस लेता हूँ अभी शाम 9 बजे तक। अभी आप लोग यहीं से बस मुड़ जाओगे, आ जाओ गाड़ी निकलवाते हैं, पहले गाड़ी थोड़ा प्रेशर बना लें, प्रेशर लीकेज हो जा रहा है इसका, देखो बीच में गाड़ी की पड़ी है। तो भाई गली से ना गाड़ी अपनी निकाल दी, अब आराम से निकलते हैं, तो आ जाओ। गाड़ी भाई रॉन्ग साइड में उस साइड लगी है और टेल को आ गया इस साइड। यार क्या है ना, महिंद्रा के टेल को बहुत कम यार मिल रहे हैं, तो इसके लिए अभी यहाँ से यूरिया लेते हैं, यूरिया लेके भाई गाड़ी में डालते हैं, जिसको बोला जाता है एड ब्लो, ठीक। और वो उस्ताद तो भाई पीछे रह गए और हम निकल आए अकेला, अब ना अकेला ही हो गया, ठीक है। आ जाओ एड ब्लू लेते हैं गाड़ी में डाल के, फिर उसके बाद भाई कंटिन्यू करेंगे, देखते हैं भाई मिलता है या नहीं। वैसे टेलको है महिंद्रा का, देख ही सकते हो। ये लाया भाई बाल्टी एक, अब यूरिया डाल देते हैं यार। भाई रात के 11:40 हो रहे हैं भाई, अभी आके ना होटल पे गाड़ी लगा के फटाफट पहले गया तो खाना खा लिया, खाना खाने के बाद भाई आधा लीटर दूध गर्म करवा लिया, अभी आधा पी लिया, आधा बचा ना तो पेट भर सा गया है, तो अभी चलते हैं भाई गाड़ी में। यार इधर पानी पानी थोड़ा हो गया है और गाड़ी भाई ये देखो लगी है एक, और बाद में एक्सिस की आके लग गई। आ जाओ फिलहाल चलते हैं गाड़ी में। और भाई आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, वीडियो अच्छा लगा ना तो लाइक करना, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में भाई, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।